ये है, दूसरी चप्पल ये है, मतलब इन दोनों का जो पैर है ना वो वहाँ रखा हुआ है, देख लो, सच कहता हूँ मैं, झूठ नहीं, ऑफिस का एक जूता यहाँ है, दूसरा वहाँ है, चप्पलें दोनों यहाँ हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? मिस्टर ऑगी। मैंने ऑगी को इसकी कैल्शियम बोन दे दी है, तो ये धीरे धीरे चाट रहा है कैल्शियम बोन को, मजे ले रहा है, ही इंजॉयज इट नाउ, कोने में जाके बैठ गया, आराम से अब चूसता रहेगा। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठ गया था, ऑगी के साथ थोड़ा खेल कूद रहा था, सुबह जल्दी उठ करके व्लॉग भी एडिट किया, और अभी फिलहाल व्लॉग रेंडर हो रहा है, आज वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट हो सकता है। जब सुबह ऑगी के साथ खेल रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसके कुछ टिक्स फिर से आ गए हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये क्यों हो गया है, क्योंकि अभी तक तो बीच में तो इसके सारे टिक्स गायब हो गए थे। तो फिर मेरे को याद है कि हमारे साथ ही एक बार मार्केट गया था, वहाँ पे इसने थोड़ी गंदगी मचाई थी, जमीन पे बहुत रगड़ा था अपने आप को, लेटा वेटा था जमीन पे, मे भी उस वजह से आ गए हूँ, क्योंकि दूसरे डॉगीज के साथ तो ये नहीं था, तो मे भी बिकॉज ऑफ दैट ये हो गया हो। कुछ टिक्स निकाले हैं, पूरा 15 मिनट मैंने दिया है ये काम करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा देख समझ के मैंने चीज़ें साफ़ कर दी हैं। खा लो कैल्शियम बोन खा लो, तुम्हारे लिए देखो दो टुकड़ों में कर दिया, एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक इसके मुँह में, खा लो बेटा खा लो, इन्जॉय द फूड। तो जो कल रात की बची हुई पेस्ट्री है ना, मेरा मन कर रहा है वो खाने का, भूख सी लग रही है। इसी दिन के लिए तो मैंने इसे बचा के रखा था, ताकि मैं इसे कल सुबह एंजॉय कर पाऊँ। क्या कर रहा होगी मेरे पैरों पे? तुझे दिया तो है कैल्शियम बोन, खा ले उसे, मैं क्या दूँ, और क्या दूँ तुझे, पेस्ट्री खाएगा नहीं, मीठा नहीं खिलाऊंगा मैं तुझे, जा डॉग बोन खा ले, वहाँ रखिए वो, सी गो देयर होगी, मुझे खाने दे भाई प्लीज, भूख लग रही है मेरे को। आप लोगों में से भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ठंडी पेस्ट्रीज पसंद है, कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ताज़ी पेस्ट्रीज पसंद है कि उसको रेफ्रिजरेट करने के बाद जो ठंडापन उसमें आ जाता है, थोड़ी जो टाइटनेस आ जाती है, सख्तपन आ जाता है, वैसी पेस्ट्रीज पसंद है, कमेंट करके बताओ। मुझे तो ये ठंडी पेस्ट्री ज़्यादा पसंद है। ये 9 बजिया टाइप से क्या? हाँ, हाँ। अपना पुराना वाला 9 बजिया खराब हो गया, इसने खराब कर दिया, मैंने सही किया है कल ये। हाँ, ओगी ने। तो न्यू प्लांट इन द हाउस, ये भी 9 बजिया है ना, राइट? हाँ। पेड़ों की पोजीशन शिफ्ट कर दी है, उस वाली बालकनी में रखा हुआ था लेकिन वहाँ से अब हमने यहाँ ले आया है। क्यों? क्योंकि ओगी वहाँ पे पॉटी पुटी कर देता है और हमें फिर दिक्कत होती है सफाई को पूरी करने में, तो सब ओगी का किया धरा है। ओगी वेर आर यू, भाग गया कहीं पे। तो हाँ, ओगी की वजह से हम लोगों ने पेड़ों को इधर शिफ्ट कर दिया। ये वाला ले चलो, इसे धूप चाहिए, धूप नहीं है, मैं क्या करूँ? ये बड़ा वाला? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, सारे ले चलते, तुलसी को यहाँ रख देते हैं, बस खराब हो जाएंगे यार, इतनी मेहनत से तो लगते हैं। अब देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी वही रहा, ओगी खराब कर देता है वहाँ पे। अब यार वो तो बच्चा है, वो तो करेगा ही यार ये सारी चीजें। कैमरा पकड़ ले, मैं ले चलता हूँ, मुझे कोई दो एक दिन देख ले यार, चल दो एक दिन देख लेते हैं, फिर देखो कैसे, अगर यहाँ ग्रोथ है इनकी, मतलब मर नहीं रहे हैं, तो फिर यहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरा दिन देखते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग करो अभी तुम इनकी। तो ब्रेकफास्ट में आज क्या है शिल्पी? ये तो पकौड़े लग रहे हैं, किस चीज़ के पकौड़े हैं ये? ब्रेड कटलेट है। ब्रेड कटलेट, इसमें मूंगफली भी डाली है क्या? ओ चलो ठीक है, डाल सकते थे वैसे, लेकिन चलो ठीक है, जो है वही खाना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा। बट इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, मन कर रहा है इसको मैं छू लूँ। छू कर एहसास हो रहा है कि ये कितना डिलीशियस होगा। Inches later. तो ऑगी का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। ऑगी को हम क्या देंगे आज शिपी? बॉइल्ड एग्स। ओ वाओ, ऑगी के लिए बॉइल्ड एग्स। एग्स नहीं, सिर्फ एग। ओनली सिंगल एग, मतलब बॉइल्ड एग। ऑगी का खाना आ गया। रुक जाओ ऑगी, रुक जाओ ऑगी, ऑगी नो। अरे डाल लेने दो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कितने प्यार से खाता है ये बॉइल्ड एग्स। ऑगी और खा लो, लो। ऑगी आओ, ऑगी भूख लगी है इसे। अंडे खाने के बाद फिर से शिल्पी के पास जाके बैठ गया। ऑगी आ जा,
ये पानी में भिगो के खिलाऊं ब्रेड तुझे, आ जा। दांत से काट लेके चला गया, पूरी खा ले यार। मस्ती हो रही है यार, ऑगी की मस्ती हो रही है। तुम्हारी क्या हो रही है? इससे दूर रहो ये, दूर रहो। ऑगी मेरे बेटू, शोलिया, गोलू मेरा, छोटू बेबी, नीनू कर ली अच्छे से। तो हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे, एक मेरे को रील बनानी है, तो उसके जबरदस्ती हम लोगों को वो कर रहे थे। नॉट जबरदस्ती, और ऐसी भी कोई धूप नहीं है। अरे तुम कि तुम मोम की तरह पिघल जाओ, ऐसी भी कोई धूप नहीं है। बेचारे को मैं इसमें छुपा रही थी, बाथरूम में छुपा के लेके गई हूँ। हाँ तो ठीक है, हम लोग रील बनाने जा रहे हैं। ऊपर ड्रोन शॉट्स की जरूरत है, ड्रोन शॉट्स की जरूरत है, ड्रोन शॉट्स की। A few moments later, तू चढ़ जा, देख वो अपने आप चढ़ जाएगा पूरी सीढ़ियाँ। देख 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 कैसे जा रहा है। नहीं सब चढ़ गया था, उस दिन आया था पूरा। ये देख, देखो कहाँ धूप है, थोड़ी गर्मी है बस। बस एक रील की शूट करनी, इसीलिए टेरेस पे आए हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रहा हूँ खिचड़ी। बहुत दिनों बाद घर में खिचड़ी बनेगी। बहुत मन कर रहा था खिचड़ी खाने का यार, मतलब बहुत मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ आज खिचड़ी अपने स्टाइल से। ऑगी और शिल्पि खेल रहे हैं। ऑगी अब थोड़ा सा समझदार हो गया है। आज इसने दो बार पॉटी करी, लेकिन दोनों बार बाहर गया बालकनी में, खुद करा और फिर अंदर आया। समझदार हो रहे हो तुम मेरे बच्चे, हैं? समझदार समझदार तुम हो गए हो। इसे ना मारा मत करो, इसे मारा मत करो, नहीं मारेंगे नहीं अभी से। डांट दिया करो। डांट देंगे बस। तो लीजिए मैडम, वर्ल्ड फेमस खिचड़ी आ गई है आपके खिदमत में, हाजिर। मैं भी आ रहा हूँ अपनी वाली लेके। Two hours later. तो शाम हो गई है, मैं, शिल्पि और ऑगी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। मैं सिर्फ, जिसमें सिर्फ मैं घूमूंगा, ये दोनों अपने घर रहेंगे, मतलब शिल्पि के घर जाएंगे ये लोग। तो मैं एक दो काम है वो करूंगा, उसके बाद जाऊंगा दीपक भाई से मिलने। Eventually. तो मैं आ गया हूँ इधर बाहर मार्केट में। दीपक भाई खड़े हैं गाड़ी के पीछे, कैमरे के आगे आने से आज पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं दीपक भाई, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत इंसिस्ट किया बहुत कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोला नहीं ये वो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, मैंने कपड़े अच्छे नहीं, मैंने पता नहीं वॉट एवर। तो अभी रोशनी भी कम हो रही है, मैंने कहा बस शूट करके ब्लॉग एंड कर देते हैं यहीं पे। तो वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो ये कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।